हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो है हम इंडियन पॉलिटी का 20वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले 19 लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिए हैं, वो देखने के बाद ही आगे बढ़िएगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो सीरीज है आपके लिए, पूरी डिटेल में बताया जा रहा है आपको। तो भारतीय संविधान की विशेषता इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान की विशेषता एक नजरिए से आपको बता दिया जाएगा कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं इस वीडियो के अंदर, मगर उसकी जो पूरी डिटेल है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखते रहेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट विशेषताएं होंगी ना, वो आपको आगे आएंगी। ओवरव्यू बता देते हैं हम आपको कि आपके दिमाग में हो जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान की आखिर विशेषताएं क्या है जो इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक। तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता सबसे पहले ये देख लीजिए, भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और हमारे भारत का जो संविधान है, जो मूल संविधान था, बनकर तैयार हुआ था, उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां और 12 भाग थे। अब जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। ये आप डिटेल में सब देखेंगे, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं वैसे ही। तो देखिए, जो 9वीं अनुसूची थी, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। और जो 10वीं अनुसूची थी वो 1985 के अंदर जोड़ी गई थी, जो 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है। उसके बाद 11वीं जो अनुसूची थी वो 1992 के अंदर, जो 73वां संविधान संशोधन था, तब जोड़ी गई थी। और जो 12वीं अनुसूची थी वो 1993 के अंदर 74वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ी गई थी। ये अनुसूचियां क्या थी, ये हम डिटेल में देखेंगे, इनके नाम भी और इनके बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे, और जो आर्टिकल है वो सब हम पढ़ेंगे ही, और भाग जो है वो भी आप देखेंगे कि 22 भाग में टोटल किस तरीके से ये सारे अनुच्छेद बटे हुए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी विशेषताएं ओवरव्यू देख लीजिए, वो आपको जिस तरीके से हम आपको बताएंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ते रहिए बस। अभी देखिए, टोटल नंबरिंग में आप देखेंगे तो 395 ही आर्टिकल हैं, मगर वैसे ही जो इनके बीच में साथ में जोड़े गए क ख इस तरीके से जोड़े गए हैं, तो टोटल आप देखेंगे तो 450 से ज्यादा आर्टिकल इस समय हो गए हैं। लगभग देखा जाए 463, ये गिनती बदलती रहती है आपको भी मालूम है, तो लगभग 450 से ज्यादा जो है आर्टिकल अब हो गए हैं। और वैसे गिनती में देखा जाए तो नंबर तो 22 भाग ही है, मगर टोटल मिला के 25 भाग हो गए हैं जो इनके साथ एक्सटेंड किए गए हैं क क साथ, तो टोटल ये 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, टोटल नंबर में गिनती के रूप में देखेंगे तो 25 भाग हैं, वैसे जो है टोटल अभी 22 भाग हैं, एक दो से आप देखेंगे, बाकी में देखेंगे 4 जिसे क जोड़ दिया गया है, इस तरीके से आप देख रहे हैं तो 25 भाग हैं। तो ये बात आपको होप समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए, अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान किसका है लिखित, तो याद रखिए ये पूछा जाता है सबसे छोटा पूरे विश्व में जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, ठीक है। और सबसे पुराना संविधान भी किसका है, सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का ही है। इसमें केवल 7 आर्टिकल हैं, इसमें केवल 7 आर्टिकल, देख सकते हैं कितना छोटा है। और बाकी अन्य देशों की अगर बात की जाए तो कनाडा का जो संविधान है उसमें 147 आर्टिकल है कनाडा में, और जो ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल है, और अफ्रीका में अगर याद करना चाहें 253 आर्टिकल हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सर आइवर जेनिंग्स, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है कि तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है, तो ये पूछा जाता है कि बताइए किसने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। चार ऑप्शन दिए दिए जाएंगे, आपको चुनना पड़ेगा आंसर कौन है। तो याद रखिए, सर आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, ब्रिटेन की बात की जाती है, ब्रिटेन से आपको मालूम है कि संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, तो इसलिए ब्रिटेन के बारे में पूछा जाता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है, ठीक है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अब देखिए, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो आपको बता दी, और जो बाकी प्रमुख विशेषताएं शुरू हो रही हैं जो आपको गौर करना ज्यादा, जैसे संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे भारत की संविधान के अंदर है वो कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये।
तो संसदीय शासन प्रणाली ये भारत द्वारा अपनाई गई है, ये प्रमुख विशेषता है। वैसे देखा जाए अगर संघात्मक संविधान के अंतर्गत जो है वो दो प्रकार की शासन प्रणाली हो सकती है। पहला जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, या आप कहें राष्ट्रपति शासन प्रणाली, या आप कहें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। और दूसरी होती है संसदीय शासन प्रणाली। और भारत के द्वारा जो चुनी गई है वो कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली है। और बाकी जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यक्षीय शासन प्रणाली, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका, तो अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अंतर होता है। जैसे अगर बात की जाए अध्यक्षीय शासन प्रणाली की, तो इसमें जो है राष्ट्रपति वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, और उसका निर्वाचन जो है डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है। सीधे सीधे क्या होता है? जनता के द्वारा किया जाता है, और ये नियत अवधि तक कार्य करेगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वो पर्सन दोबारा कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। उसकी जो कार्यकाल होता है नियत होता है, और टाइम भी नियत होता है कि एक बार या दो बार बन सकता है ऐसे। और अमेरिका में जो है ये शासन प्रणाली है। और बाकी संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत की तो आपको समझ में आई होगी। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ये सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली उसी से कॉपी किया गया है। तो इस शासन प्रणाली में जो है भारत का राष्ट्रपति तो जो होता है वो इंग्लैंड के जो सम्राट होते हैं उसी के समान रहेगा, और जो कार्यपालिका के नाम मात्र ही जो है प्रधान होता है, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? हमारे कार्यपालिका के नाम मात्र ही प्रधान होंगे। और जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसमें होती है? वो मंत्रिपरिषद में होती है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है। और यह डायरेक्ट क्या होती है? जनता द्वारा निर्वाचित होती है मंत्रिपरिषद। ये तो आपको मालूम ही है। आगे चल के आप देखेंगे कि आर्टिकल किस आर्टिकल में ये है कहा गया है, किस भाग में कैसा कैसा, सब आपको सिलेबस बताएगा। अभी बेस्ट ये आप जो है जो इसकी विशेषता है वो देख लीजिए। जैसे आपको आगे मालूम पड़ेगा कि आर्टिकल 75 ग में आप देख सकते हैं कि इसके अनुसार जो है वो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये सब आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। उसका देखिए एक और मुख्य विशेषता है मौलिक अधिकार। तो हमारे भारत के अंदर जो है मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। यह कहाँ से कॉपी किया गया? अमेरिकी संविधान से लिया गया। ये आपको सब बता दिया गया, पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि किस जगह से, किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये सब बता दिया गया है। पूरी जानकारी दी जा रही है आपको, आप नोट्स बना लेंगे तो सारे आपके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और आगे आपको मालूम पड़ेगा जब डिटेल में देखेंगे कि आप देखेंगे भाग जो 3 है, जो पार्ट 3 है, आपको बताया गया ना टोटल वैसे 22 है, वैसे अगर गिनना चाहे तो 25 है। तो जो तीसरा तीसरा भाग है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि कुल 6 मूल अधिकारों की घोषणा की गई है, ठीक है। पहले 7 थे, मगर 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, तो जो 7वां मौलिक अधिकार था वो हटा दिया गया। आखिर वो क्या था? तो वो संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, ठीक है। वो आप आगे चल के सीलवाइज देखेंगे कि उसे विधिक अधिकार में ला दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो ये एक अलग ही चैप्टर होगा, मूल मौलिक अधिकार अलग चैप्टर होगा, मौलिक कर्तव्य अलग चैप्टर होगा, सब आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे संविधान की, एक अनोखी विशेषता है हमारे संविधान की। तो ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा है कि जो भारतीय संविधान के अंदर राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, ये एक अनूठी विशेषता है हमारे संविधान की। और ये कहाँ से लिए गए हैं? बता दिया गया, आयरलैंड से कॉपी किया गया है। आयरलैंड के संविधान से ये कॉपी किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसका उल्लेख जो है भाग 4 में आप देखेंगे, भाग 4 में, ठीक है। भाग 3 आपको मौलिक अधिकार था, तो भाग 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे। इसमें आप देखेंगे टोटल जो है आर्टिकल 36 से 51 तक आपको मिलेंगे, और सब डिटेल में बताया जाएगा, ये भी एक चैप्टर है। देखिए नीति निदेशक तत्व क्या है? नीति निदेशक तत्वों का कार्य जो है एक सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो भारत के अंदर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, ठीक है। ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन ने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, ऑस्टिन ने ये कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये राज्य की आत्मा है, ये ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है।
देखिए जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इसे जबरदस्ती किसी राज्य के ऊपर किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये बल्कि राज्यों की जो है वो नैतिक जिम्मेदारी है, उनका नैतिक कर्तव्य है कि उन्हें ये लागू करें ताकि जो राज्य का जो है कल्याण हो सके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। आप आगे देखेंगे 36-51 के बीच में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब, पूरे डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद देखिए नागरिकों के मूल कर्तव्य की बारी आती है, तो नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। पहले देखिए जो हमारा मूल संविधान था जब बन के तैयार हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों का कहीं नामो निशान नहीं था, मगर बाद में जो है सरदार स्वर्ण सिंह जो थे उनकी समिति की सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें आप देखेंगे 1976 में ये हुआ था संविधान संशोधन 42वां, इसमें जो है जो हमारा भाग चार था ना उसमें एक्शन किया गया, भाग फोर क, भाग चार क में एक आर्टिकल जोड़ा गया 51 क के नाम से, इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और बाद में आप देखेंगे एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। जो 11वां था आप डिटेल में देखेंगे 2002 में बढ़ाया गया था 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का अवसर प्रदान करने का, मतलब ये कर्तव्य उसमें जोड़ दिया गया था। तो ये पूरा एक चैप्टर है, आप पूरी डिटेल में देखेंगे, घबराइए नहीं। नेक्स्ट विशेषता देखें, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अनोखी विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, क्योंकि जो हमारे भारतीय संविधान का आप देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, आप आगे चलकर देखेंगे इसका उपयोग जो है समय समय पर जब संघ केंद्र और राज्यों के विवाद जो होते थे बीच में तो उसको सुलझाने के लिए किया जाता था, उसको तभी सुलझाया जा सकता है दोस्तों जब किसी देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हो। इसलिए आप याद रखिए हमारे जो देश की न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इसके लिए आगे चल कर देखेंगे नया चैप्टर होगा ये, इसके लिए देखेंगे आप संविधान में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, वेतन भत्ता और उनके पद से हटाए जाने की सब उसमें जो है प्रावधान किए गए हैं, और ऐसी ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिससे न्यायपालिका पर सरकार द्वारा जो है कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता। आप देखेंगे आगे चलकर एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकता अपनाई गई है, एकल नागरिकता अपनाई गई है, मतलब सभी भारत के जो लोग हैं उनके पास केवल एकल नागरिकता होगी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास डबल सिटीजनशिप है, एक तो भारत की एक जम्मू कश्मीर की अलग से, वो आप डिटेल में देखेंगे। देखिए मतलब जैसा कि आप जानते हैं भारत का जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि जो है भारत एक जो है राज्यों का संघ है, तो जो सभी नागरिक होंगे भारत के अंदर वो कहलाएंगे ये भारतीय है, ऐसा नहीं कहलाएंगे कि ये पंजाबी है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये राजस्थान का है, ऐसा नहीं कहीं कहा गया है। ठीक है तो संविधान में सभी जो भारत के रहने वाले हैं उनको भारतीय कहा गया है, तो सिंगल सिटीजनशिप। मगर आप देखेंगे जो संघात्मक संविधान होता है जैसे हमारे भारत का है, संघात्मक संविधान में हमने आपको बताया था ना कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो संसदीय व्यवस्था एक अध्यक्षीय व्यवस्था, तो इस टाइप को जो भी संविधान होता है उसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो है दोहरी नागरिकता होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए अमेरिका, अमेरिका में जो है जो लोग होते हैं उनके पास दोहरी नागरिकता होती है, एक उनके देश की अमेरिका पूरे की और एक जिस राज्य में वो रहते हैं उसकी अलग नागरिकता होती है, मगर भारत में ऐसा नहीं है। किंतु भारत जो है संघात्मक संविधान होने के बावजूद भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप अपनाई गई है, क्यों? क्योंकि भारत की एकता और अखंडता जो है ये बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया है, जो हमारे संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने ऐसा किया है। संघीय संरचना के बावजूद आप देखेंगे कि एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जैसे आप देखें कोई भी व्यक्ति जो है सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, तो ये बहुत ही अद्भुत विशेषता है हमारे इस भारतीय संविधान की। देखिए नेक्स्ट जो है विशेषता, केंद्राभिमुख संविधान, मतलब केंद्र की जो पावर है वो ज्यादा होगी। तो हमारे भारतीय संविधान में जो है केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, और ये बताया गया भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, आपको मालूम ही पड़ गया। तो आप देखेंगे कि जो भारत का संविधान आर्टिकल पहला है ना उसी में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और हमारे संविधान में जो है केंद्र को ज्यादा प्रभावकारी बनाया गया है। परंतु भले ही जो है भारतीय संविधान में केंद्र को ज्यादा प्रभावकारी बनाया गया, मगर प्रोफेसर केसी हेयर,
प्रोफेसर के सी हेयर, इनका ये मानना है, इनके अनुसार जो है भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय क्वासी फेडरल संविधान है, ऐसा स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है। किसके अनुसार बताइए कि इन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, तो के सी हेयर ने कहा था, ठीक है, ये याद रखिए। और ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सर आइवर जेनिंग्स का नाम हमने आपको बताया था ना, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारतीय संविधान है एक ऐसा संविधान है कि जिसमें ये निश्चित किया गया भारत एक संघ है और जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, ठीक है, उनका ये मानना है। तो वो सब छोड़िए, आप जब डिटेल में आपको बताया जाएगा सब आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये देखिए कि जो हमारे विशेषता बता रहे हैं कि सेंट्रल की पावर ज्यादा है हमारे संविधान के अंदर। उसका देखिए वयस्क मताधिकार, ये भी एक अनोखी विशेषता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है ना, तो संसदीय शासन प्रणाली में होगा क्या, जब सरकार का गठन होगा तो वो जनता के द्वारा ही होगा और जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, वोट जो है जनता के द्वारा किया जाएगा अपने प्रतिनिधियों को। तो जो भारत में प्रतिनिधि होंगे तो उनके निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है। तो जो मूल संविधान हमारा था उसमें जो मताधिकार की न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, ठीक है, मगर फिलहाल आप जानते हैं अभी 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी मूल संविधान में, अभी क्या है, अभी 18 वर्ष है। तो ये संशोधन हुआ था, 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। तो इसमें जो है आर्टिकल 326 में संशोधित कर दिया गया था कि मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि ये किसी का मौलिक अधिकार है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था क्या ये जो मताधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार है, नहीं, मौलिक अधिकार में नहीं आ सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है उससे कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता। मगर जब बात आती है वयस्क जो मताधिकार की बात आती है, तो जब भी कोई अपराधी पाया जाता है या भ्रष्ट पाया जाता है या अवैध आचरण का वो व्यक्ति पाया जाता है, तो उस आधार पर उसकी जो है जो ये शक्ति है मताधिकार की शक्ति है उससे उसको वंचित किया जा सकता है। तो ये कभी भी मौलिक अधिकार में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। उसका देखिए आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। तो आपातकाल में दोस्तों हमारे संविधान के अंदर एक विशेष प्रावधान किया गया है, यह एक अजब सी और एक अनोखी विशेषता है, जिसके अनुसार आप देखेंगे जब संकट का काल आएगा भारत के अंदर तो हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसमें अनेक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन हो जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो संविधान में जो है आपातकाल की जो स्थिति है उसमें 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ये सब चैप्टर आएंगे, घबराइए मैं सब डिटेल में बताया जाएगा, और भी बता देता हूँ। जैसे पहला आपका आएगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की जो व्यवस्था है वो 352 में एक्सप्लेन की गई है, आर्टिकल 352 में। तो इसमें क्या होगा, युद्ध आक्रमण अथवा जो सशस्त्र विद्रोह पैदा हो जाएगा भारत के अंदर, मतलब राष्ट्रीय अशांति की अवस्था आ जाएगी, तो ये 352 आर्टिकल का जो राष्ट्रीय आपातकाल ये लागू हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल ये कब हो जाएगा, जैसे युद्ध हो रहा, आक्रमण हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, तो ये लागू हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो होता है वो राज्य में आपातकाल, वो उसका जो उल्लेख है 356 आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल नंबर 356 में किया गया है राज्य में आपातकाल। जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की जो असफलता, जैसे केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है कोई राज्य, तो उस समय जो है राज्य में आपातकाल हो जाएगा। तो ये जो है आर्टिकल 356 में इसका जिक्र किया गया है राज्य आपातकाल का। उसका जो तीसरा होता है वो वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल होता है वो 360 आर्टिकल नंबर 360 में उसका उल्लेख किया गया है। जो भारत में वित्तीय स्थिरता या जो संकट आ जाए तो इसमें ये वाला आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल आ जाता है। दोस्तों आपातकाल के दौरान होगा क्या कि आपातकाल के दौरान देश की जो पूरी सत्ता है ना वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है ऑटोमेटिक, और राज्य जो है वो केंद्र के नियंत्रण में चला जाएगा। इससे आप देखेंगे कि इससे के अंदर क्या होता है, संविधान में कोई भी संशोधन नहीं करना पड़ता, संविधान में संशोधन किए बगैर देश का जो ढांचा होगा वो संघीय से एकात्मक हो जाएगा, मतलब केवल केंद्र का ही राज वहां हो जाएगा। तो यही दोस्तों राजनीतिक तंत्र का जो संघीय से एकात्मक में परिवर्तन होना भारतीय संविधान
संविधान की जो है एक अनोखी विशेषता है। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये सारी विशेषता है, तो याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर की होती है समाप्ति। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा और सील वाइज पढ़ते रहिएगा। आपका जो है संविधान बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है, एक एक चीज़ बताई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये अच्छा लगा हो। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।